झांसी में बीते साल 2018 में नवाबाद थाना क्षेत्र के कचहरी चौराहे पर चर्चित व्यापारी संजय वर्मा गोलीकांड मामले में आपको बता दें कि पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर द्वारा चिरगांव हाईवे के पास बनी पहाड़ी के आसपास संजय वर्मा कांड के आरोपी के मौजूद होने की जानकारी मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी उद्धम सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया। मोतिहारी में अपराधियों के बुलंद हौसले देखने को मिले, जहां दिन दहाड़े दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों में एक वार्ड सदस्य भी शामिल है। आपको बता दें कि घटना मोतिहारी के घोड़ा सहन प्रखंड कार्यालय के गेट के पास की है। बताया जा रहा है कि पूर्व से चल रहे विवाद के चलते ये हत्या की गई है। बिहार में बढ़ते अपराध का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस के खिलाफ कोशिशों के बावजूद भी बिहार में पुलिस प्रशासन अपराधियों के सामने बेबस नजर आ रही है। बिहार के आरा में बाइक सवार अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने विरोध किया। पूरा मामला बिहार के भोजपुर जिले के आरा नगर थाना क्षेत्र के आनंद नगर मोहल्ले का है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अनोखा तरीका अपनाया। यूथ कांग्रेस ने अयोध्या में जुमलेबाज झोला लॉन्च किया और झोली में रखा बीजेपी का घोषणा पत्र, जिसका नाम दिया जुमलेबाज पुलिंदा। जुमलेबाजी से 2014 लोकसभा चुनाव में सत्ता हासिल करके और जनता जनार्दन के बीच झोला उठाकर राजनीति से संन्यास के बयानों पर प्रधानमंत्री का युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सांकेतिक रूप से जुमलों का झोला, जिसमें उनके 2014 के घोषणा पत्र की प्रति रखकर बीजेपी नेताओं को भेंट की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव शरद शुक्ला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ये झोला भेंट करने की तैयारी में है। हरदोई के अतरौली पुलिस थाना क्षेत्र में अवैध असलाह फैक्ट्री चलाते संचालक को उपकरण और असलह सहित गिरफ्तार कर लिया। असलाह फैक्ट्री संचालक के पास से 5 तमंचे कारतूस और भारी संख्या में अर्धनिर्मित असलहे बनाने के उपकरण बरामद किए गए। मामले का खुलासा करते हुए एसपी आलोक प्रियदर्शी का कहना है कि फैक्ट्री संचालक अपने गैंग के साथ लोकसभा चुनाव में व्यवधान डालने की रणनीति बना रहा था। झांसी मोड़ के नेशनल हाईवे 27 पर कार और मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार में आग लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोठ में भर्ती कराया। बिहार शरीफ प्रखंड के जाति आवास निवास काउंटर उस वक्त अचानक अफरतफरी मच गई, जब एक सिरफिरे द्वारा मामूली विवाद पर आरटीपीएस महिला कर्मी के साथ हाथापाई की गई। गौरतलब है कि युवक आरटीपीएस काउंटर पर जाति आय निवास प्रमाण पत्र को लेकर बिहार से प्रखंड आया था और कतार में लगकर अपना काम करवा रहा था। अचानक जाति आवास आय प्रमाण पत्र पर मोबाइल नंबर नहीं होने के कारण महिला आरटीपीएस कर्मी के ऊपर वो भड़क गया और अभद्र व्यवहार करने लगा, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र में गर्मी से पहले ही गांवों और कस्बों में पेयजल संकट गहराना शुरू हो गया है। कई जगह तो जलापूर्ति भी पूरी तरह से ठप हो गई है। अउवा निकटवर्ती कादू गांव में पिछले 10 दिनों से जलापूर्ति पूरी तरह से ठप है, लेकिन जलदाय विभाग में शिकायतों के बावजूद कानूनी जूं तक नहीं रेंग रही। वहीं पीने का पानी नहीं मिलने से महिलाओं व पुरुषों ने खाली बर्तन व मटके रखकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। खबर गोंडा से है, जहां बीती रात घर जा रहे एक व्यक्ति को उसके ही साले ने रोक कर गोली मार दी। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले हुई बहन की मौत का बदला लेने के लिए साले ने जीजा को गोली मारी। फिलहाल घायल जीजा का उपचार CHC कर्नलगंज के जिला अस्पताल में चल रहा है।
डिवीजन यूजीआई के रोहतास इकाई द्वारा रविवार को नटराज होटल में होली मिलन सह रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष अजीत कुमार, महासचिव विनोद तिवारी व कोषाध्यक्ष अमरजीत कुमार द्वारा यूनियन के सभी साथियों व अतिथियों को अबीर लगाने के बाद रंग साफ करने के लिए उन्हें अंग वस्त्र उपलब्ध कराए गए। सभी पत्रकारों ने खूब आनंद उठाया। हरिद्वार की बोगावाला क्षेत्र में खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। स्थानीय विधायक सुरेश राठौर के बाद हरिद्वार के जिलाधिकारी दीपक रावत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्षेत्र का निरीक्षण कर कई स्टोन क्रशर सीज कर दिए। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब खनन पर रोक लग जाएगी, लेकिन हमेशा की तरह खनन माफिया देर रात को खनन कर चिल्ला वाली नदी तहस नहस करते नजर आए। सूचना पर SDM पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उनके भी होश उड़ गए। होली के त्योहार को देखते हुए महानगर में सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम ने गोरखपुर के खोवा मंडी में खोवा के नमूने लिए। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट ने 5 क्विंटल पिकअप रदी गाड़ी से खोवा बरामद किया। छापेमारी से दुकान में हड़कंप मच गया। खाद्य विभाग ने जांच के लिए खोवे के नमूने भेज दिए हैं। मंडी में सूचना जो है मिलावटी खोवा जो है बेच रहे हैं, उसी क्रम में जो है जो खाद्य विभाग की टीम और जो इंस्पेक्टर और CFO इस सब लोग को साथ लेकर पुलिस की टीम साथ लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर छापेमारी करी है। और इसको खाद्य विभाग की टीम को जो संदेह लगा है जिस खोए पे, जिस मावे पे, उसका उन्होंने सैंपलिंग भी किया है। एक छोटा सा ऑटो भी पकड़ा गया है, छोटा हाथी जिसमें कुछ सस्पेक्टेड खोआ बरामद हुआ है, और उसको जो है खाद्य विभाग की टीम द्वारा नष्ट कराया गया है। बाकी कार्रवाई चल रही है, सैंपल लिए गए, अगर फेल होते हैं जो भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान है उसके अंदर कार्रवाई। बांदा जिले के तहसील बबेरू में तेज रफ्तार दो बाइकों के आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। आपको बता दें कि इस हादसे में दोनों बाइक सवार बुरी तरह से जख्मी हो गए। वहीं राहगीरों ने एम्बुलेंस की मदद से बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों को भर्ती कराया, जहां उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला बबेरू कस्बे के कमासिन रोड का है। दो लोग गंभीर हालत में हमारे यहाँ भर्ती हुए जो बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल से और दोनों लोगों की हालत गंभीर है और मरीजों को भर्ती करके उनका इलाज चल रहा है। नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 स्थित बलकौली सामुदायिक भवन के सामने विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। NDA में BJP की ओर से पूर्व पेट्रोलियम सचिव और बघा विधायक RS पांडे को उम्मीदवार बनाने की मांग की गई। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का बिगुल बज रहा है, वैसे ही वैसे राजनीतिक पार्टियों ने एकजुटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में उत्तराखंड में पीस पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशी उतारने की ताल ठोक दी है। काशीपुर में आयोजित एक सभा के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड में बेरोजगारों का मुद्दा विशेष रूप से रहेगा। जिस तरह से प्रदेश में काम कर रहे हैं उस हिसाब से हमने 3 प्रत्याशियों को रखा है, जिसमें टिहरी लोकसभा है, हरिद्वार लोकसभा है और नैनीताल लोकसभा है। नैनीताल लोकसभा पर हमारे अकील अहमद अंसारी जी हैं जो प्रत्याशी हैं। अभी हमारी कई पार्टियों से बात भी चल रही है लोकसभा के चुनाव के लिए, हरिद्वार के लिए, उस पर हमने अभी कोई डिसाइडेड किया नहीं है। हम चाहते हैं कि वहाँ कोई अच्छी पार्टी हमारे साथ आए। पूर्व 2 मुख्यमंत्री वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा परिणाम आए। आज नवादा समाहरणालय से मतदाताओं को 11 तारीख को होने वाले मतदान में भारी संख्या में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया। इसी उद्देश्य से कर्मचारियों के साथ नवादा के निवासियों ने पदयात्रा निकाली। जिला सूचना और जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि लोगों को जागरूक किया गया मतदान को लेकर। आज हम लोग पद यात्रा का आयोजन किए हैं। 11 अप्रैल 2019 को हम लोग यहाँ मतदान दिवस मनाया जा रहा है। भारी से भारी संख्या में मतदाता को पार्टिसिपेंट कराने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार की रैलियां हम लोग का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें से एक आज पद यात्रा भी था। ये यहाँ से कलेक्ट्रिएट परिसर से निकला है
और संकट मोचन मंदिर तक जाएगा। इसमें महिला पुरुष फिर जितना भी कलेक्ट्रेट संवर्ग के कर्मी हैं सब लोग पार्टिसिपेट किए हैं। और आज ही शाम को 6:30 बजे कलेक्ट्रेट परिसर से सद्भावना चौक तक आदमी कैंडल मार्च लेते हुए जाना है। 6:30 बजे आज का दिन मुकर्रर किया जाएगा गया है ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना मत का प्रयोग कर सकें। धन्यवाद। यूपी में महागठबंधन में जुगाड़ न मिलने से लगातार अपनी रणनीति बदल रही कांग्रेस रविवार को एक बार फिर ऐलान किया। कांग्रेस ने सपा बसपा व रालोद गठबंधन के साथ सीटें छोड़ दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि हम महागठबंधन के साथ सीटें छोड़ रहे हैं जिनमें मैनपुरी कन्नौज फिरोजाबाद के अलावा वो सभी सीटें जहां से बसपा सुप्रीमो मायावती रालोद नेता जयंत चौधरी और अजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे। राज बब्बर ने कहा कि हमने गोंडा व पीलीभीत सीटें अपना दल को देने का फैसला किया है। राज बब्बर ने ये भी बताया कि हमने गठबंधन के लिए महान दल से भी बात की थी जिस पर उन्होंने कहा कि हम उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए जितनी भी सीटें देंगे वो आपसे सहमत होंगे। गठबंधन चल रहे हैं, गठबंधनों की बातें हो रही हैं। कहीं भी ऐसी कोई सीट जिसमें बीजेपी को फायदा होता हो हमें 4 बार सोचना है। हम सिर्फ इसलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे या हम ऐसे गठबंधन की सीट को मजबूत नहीं करेंगे जिसमें भी बीजेपी को फायदा हो। इन साथियों के साथ में संबंध हुआ, बातचीत हुई, इन सभी लोगों का मानना यह है कि हम बीजेपी को किसी भी तरह से मदद नहीं पहुंचाएंगे और ये सब के सब सहमत हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बागेश्वर में पीठासीन और मतदान अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से शुरू हो गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 330 अधिकारियों को पहले चरण में प्रशिक्षण के लिए चुना गया। आपको बता दें कि प्रशिक्षण 2 चरणों में कराया जाएगा। जब कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तो इसीलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है कि ताकि लोगों को किसी तरह की जो भी शंका आशंका हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो समाधान हो जाए। अगर लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मुझे ये लगता है लोग अच्छे से उसको पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम को सीरियसली ले रहे हैं, तब उनके मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि हमको किस तरह से करना है। तो मुझे लगता है ये अच्छी स्वस्थ परंपरा है ट्रेनिंग प्रोग्राम की कि दोनों तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम को होना चाहिए ताकि उनकी भी कोई शंका आशंका हो और कोई उनको लगता है कि ये चीज़ हमें पूछना चाहिए तो वो पूछे। और हमारी पूरी जो निर्वाचन ट्रेनिंग की टीम है, नोडल समेत उनकी पूरी जो टीम है वो पूरी तरह से रेडी है किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए और उनको अच्छी तरह से समझाने के लिए। फतेहपुर जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के गुरवल गांव में चुनावी रंजिश के कारण एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोलीकांड के बाद क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। घटना के बाद घायल युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने इसे गंभीर हालत को देखते हुए उसे कानपुर रेफर कर दिया। वहीं पीड़ित युवक के भाई ने बताया कि इससे पहले भी एक बार उसके भाई पर गोली चलाई गई थी। वो भाई हमारा टावर चलाने गया था, टावर चलाता है, वो टावर से रिटर्न आ रहा था घर के लिए। हाँ, वही थोड़ा झुकझुक हुआ था, 6:30 का टाइम था जी। बस उसी चलते 7-8 लोग थे पीछे फायरिंग कर दी। 7-8 लोग ने फायरिंग कर दी जी। कहाँ कहाँ गोली लगी इनको? हम उनके पीछे पेट पे लगी हैं दो जी, एक पकौड़े पे एक तितर पे। पुरानी रंजिश क्या है सर, वही मुकदमे उकदमे के चलते हुआ था जी। अभी 7-8 महीने पहले भी हमारे घर में गोली चला थी, वही मेम्बर उनका मुकदमे की खड़ी जमानत हो गई थी, इसलिए चलते कहे मारेंगे उसी की रंजिश बस फिर गोली चलाई।